आपके बाद टीम गलत टाइम पे मोमेंटम लूज कर रही है? नो, मैं ये अकेला हमारा टीम के साथ नहीं हुआ है। आप थोड़ा लीग का जो स्ट्रक्चर देखिए, जो भी मैचेस हो रहे हैं, तो कोई ना कोई टीम कभी उभर के आ रही है, कभी कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, कभी कंसिस्टेंटली कम बैक हो के वापस जीत रहे, कभी हार रहे। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लीग एक्चुअली। तो आज जो जिस हिसाब से बेंगलुरु बुल्स खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है इनिशियली। तो जिसका हमने प्लान बनाया था, तो पवन शेरावत, तो उसके ऊपर हमने रोकने के लिए कामयाब हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा एड्रेस चल गया। बट उनका सबसे अच्छी बात क्या है, आज तो उनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला है, तो उसी का कारण हमारा इनिशियल जो हमारा राइडर्स को जो स्कोर मिलना था बहुत ही नैरोली मिस हो गया, क्योंकि सेंटर लाइन के पास आते आते ही दो तीन मतलब रेड आउट हो गए हमने, इसी का कारण फिर लीड उनके पास चले गया, फिर ऑटोमेटिकली वो लोग 20 पॉइंट तक लीड चले गए थे। फिर हमने कमबैक भी किया था, बट फिर उसके अंदर फिर टाइम खत्म हो गया था। कैप्टन, स्टार्टिंग में रोहित और पवन दोनों आउट हो गए थे, तो टीम के पास अपॉर्चुनिटी थी कि लीड बनाई जाए, लेकिन उनको वापस आने का मौका दिया गया, तो कहाँ लैग कर गए फर्स्ट हाफ में ही? मैं तो मानता हूँ कि हमारी रेडर्स की गलती रही, मेरा भी अच्छा बिल्कुल ही अच्छा प्रदर्शन नहीं, मैं तो खुद को तो ज़्यादा दोषी मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही रेड पॉइंट स्कोर नहीं करूँगा तो टीम का कॉन्फिडेंस कैसे अप होगा। तो मैं तो अपने ऊपर ही ब्लेम लेता हूँ, क्योंकि मेरी रेडिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ टीम को। कोच, आज ना दीपक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा, ना संदीप धुल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा, तो क्या इन दो प्लेयर पे ज़्यादा टीम डिपेंडेंट है कि इन दोनों ने अगर आज अच्छा नहीं खेला तो टीम हार गई? नेचुरली हमारा टीम के जो स्ट्राइक प्लेयर्स है, डिपेंडेंट तो होना बहुत ज़रूरी है, बट कभी कभी क्या होता है, हाफ डे होता है, कभी कभी परफॉर्मेंस आता नहीं है, तो बाकी खिलाड़ी जिसको भी हमने मौका दिया वो भी डिलीवरी हो गया है, बट कहीं ना कहीं प्रेशर में आके थोड़ा मल्टीपल पॉइंट्स दिया था। एक बार संदीप धुल ने 3-4 पॉइंट एक साथ गया था। इनिशियली जिसको राइडर को स्कोर नहीं मिलता ना, फिर नेचुरली डिफेंस भी प्रेशर में आ जाता है। अगर राइडर आपको स्कोर करने लग जाएंगे ना, डिफेंस भी कॉन्फिडेंटली टैकल के लिए जाता है, फिर वो टैकल सक्सेसफुल हो जाता है। सर, पिछले दो मैच से अमित नहीं खेल रहे हैं, तो कॉर्नर्स चेंज हुए हैं, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है टीम को? डेफिनेटली सीनियर प्लेयर नहीं रहने से क्या होता है, फिर वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं रहता है, तो थोड़ा मनोबल राइडर का भी कॉन्फिडेंस आप ही रहता है, क्योंकि नए बच्चे आएंगे तो नए बच्चे को तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट उतना नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो कारण हो सकता है। थैंक यू। होल्ड ऑन, मेरा क्वेश्चन दीपक जी से है। सर, दो बैक टू बैक लॉसेज हो गई हैं, और मतलब आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, मतलब एज अ फैन और एज अ रिपोर्टर, मतलब आपसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट मतलब क्या ऐसा फ्लॉ एकदम से आ गया है कि मतलब एकदम स्टार परफॉर्मर से आपका परफॉर्मेंस बहुत बिलो पार चला गया है? एक्चुअली चेन्नई मुझे फीवर हो गया था, तो 6-7 दिन फीवर रहा, और उसके बाद परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन चला गया। मुझे खुद भी इस बात का फील है कि मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही है दो मैच से, और टीम को इसका नुकसान हो रहा है, तो जल्दी अगले मैच तक रिकवर होके बढ़िया खेलेंगे हम। थैंक यू। आगे के मैचों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? या जो स्ट्रेटजी तो खैर बताता कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा कमबैक करने का पूरा जोश से हम वापस उतरेंगे। हमारा अभी 31st को मैच है, तब तक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे। कमियां क्या थी आपकी बेसिकली? कमियां बेसिकली रेटिंग में ज़्यादा चल रही हैं पिछले दो मैच से, तो उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।